गुड इवनिंग टू ऑल। जिवें तुहानू पता कि मई मंथ दे विच जिहड़े एग्जाम होने से आई डी पी ते बी सी वालों वह कैंसल हो चुके हैं। तो हुण आपां गल करदे हां नैक्सट मंथ यानी कि जून मंथ की। बहुत सारे स्टूडेंट का सानू मैसेज आंदा इंस्टाग्राम ते भी कमेंट सैक्शन दे विच भी कि मैम जिहड़े जून मंथ दे विच एग्जाम होने ने वह कंडक्ट किए जाएंगे कि नहीं। सो उन्हां बच्चों के सवाल का असीं जवाब देन लगे हाँ। हुणे हुणे सानू यह न्यूज़ मिली है कि जिहड़े हालात ने बिल्कुल सही हो रहे हैं। जिवें लॉकडाउन तुहानू पता कि 31 मई तक सी, तो हुण 1 जून तो न्यूज़ मिली है कि जिहड़े लॉकडाउन आ उह खोल दिता जाऊगा, लॉकडाउन नहीं रहूगा। सो हुण आपां गल करदे हां आयल्स एग्जाम कि वह लिते जाएंगे कि नहीं लिते जाएंगे। सो जे आप गल करिए कि लॉकडाउन जो सही हो गया, सब कुछ सही हो गया, तो जो आयल्स एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे 80% चांस यही है कि जून मंथ तो जो आयल्स एग्जाम ने वह जिमें पहला चल रहे थे उवें ही स्टार्ट हो जाएंगे। बट कंडीशन यही है कि जिमें बच्चों की पहला गिनती 100 सी 200 सी, बट हूँ उन्होंने घटा के 50 कर दिती गई है। जे हूँ एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे कंडीशन यही होगी कि एक बैच मॉर्निंग बैच के जोड़े बच्चे ने 50 लिते जाएंगे और ईवनिंग स्लॉट के जोड़ा एग्जाम होगा उन्हें 50-50 बच्चे जिहड़े आ आयल्स एग्जाम दे सकनगे। मतलब मॉर्निंग ते इवनिंग शिफ्ट दे विच 100 बच्चा टोटल एग्जाम दे सकूगा जे एग्जाम स्टार्ट होणगे जून मंथ दे विच। सो चांसिस तो यही ने कि जून मंथ तो जिहड़े हालात ने बिल्कुल सही हो जाएंगे, एग्जाम उह वी लिते जाएंगे। बाकी जो भी सानू कोई न्यूज़ मिली असीं तुहाडे नाल सब तो पहला शेयर करांगे। और नाल दी नाल प्लीज़ जे किसी बच्चे नू कोई भी क्यूरी हैगी, कोई क्वेश्चन आ, तो तुसीं सानू कमेंट सैक्शन दे विच पुछ सकते हो। और नाल दी नाल साडे चैनल नू लाइक शेयर ते सबसक्राइब करो। थैंक यू।